तो दोस्तों नमस्कार, आज हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड के ऐसे प्रोग्राम में जहां होने वाला होली का पर्व जिस तरह से दिखा जा रहा है, यहां पर देवभूमि लिखा हुआ है जो आज होने वाला पर्वतीय कला केंद्र की ओर से यहां काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। आज काफ़ी टाइम से, तो 3 बजे से था, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो यहाँ का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा बहुत शानदार जो काफ़ी चल रहा है यहाँ पर। काफ़ी जो आज हमारे जो उत्तराखंड सारे जो हैं होली के उपलक्ष्य में यहाँ कार्य कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी क्षेत्रवासी यहाँ आकर इस चीज़ का आनंद लें और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जुड़े हैं और अच्छा लगता है इस प्रकार से। जिस तरह से हम लोग एक फूलों के साथ जो रंग की होली को मनाया जाता है, जो होली के तहत मतलब जब से 25 तारीख को होली है, लेकिन हमारी जो होली आज से स्टार्ट हो गई है, मतलब 4-5 दिन से पहले से चल ही रहा है कार्यक्रम, तो होली की तरह त्यौहार हम मनाते रहते हैं। जिस प्रकार से होली का ये उपलक्ष्य मतलब इतना शानदार कहते हैं होता है, इसमें सभी लोग जुड़ते हैं और काफ़ी लोग जो प्यार प्रेम से होली को मनाते हैं। तो आज हम चलते हैं LTD भवन के अंदर, हम आ गए हैं और देखते हैं वहां करते हैं पूरा शूट आज किस प्रकार से क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है और आपको दिखाएंगे तो क्या क्या प्रोग्राम है, अपडेट रहे और काफी लोगों से मुलाकात करेंगे, काफी लोगों से बातें भी करेंगे और किस तरह से यहां का कार्यक्रम हो रहा है वो भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहे हमारे साथ, अपडेट रहे, चलते चलते अंदर का क्या कार्यक्रम हो दिखाते हैं। Thank you.
सब चौकन्ने रहे, दुश्मन को कोई मौका न दे। गांव वालों को कितनी बार हिदायतें दे रखी है, लड़ाई चल रही है, रोशनी बंद रखा करें, लेकिन फिर भी 100 किलोमीटर ऊपर से तो रहे दुश्मन के जंगी जहाज को, अगर थोड़ी सी भी लाइट दिख जाए तो समझो बम गिरा, गांव और गांव के ऊपर वाला पुल तबाह हुआ। सीमांत का इलाका है, अगर एक बार ये पुल टूट गया ना, गांव में कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, इस बात का अंदाजा गांव के बेपरवाह नहीं लगाते हैं। हिदायत तो दे रखी है कि अपने घरों के बाहर वाले शिशु पर या तो काले कागज चिपका दें या काला रंग पोत दें, गलती है कि खामियाजा भुगते पूरा इलाका। कितने दिनों से लड़ाई चल रही है, न जाने और कितने दिनों तक चले। काश मैं भी आज मिलिट्री में होता तो देश के लिए वीरता का गौरव दिखा रहा होता। दिल में जगह जोश और उमंग बस दिल में ही सिमट के रह गया यार। कल तक हमारे जवानों ने दुश्मन का 10 लड़ाकू जहाज, 80 टैंक और जानते हो 400 से ऊपर सैनिकों को मार गिराया। हमारी फौज दुश्मन के इलाके में 15 किलोमीटर अंदर तक घुस गई थी, पर यार हमारे भी दो जहाज आए के समय ध्वस्त हो गए, 15 टैंक बर्बाद हो गए और 22 जवान मारे जा चुके। मारे नहीं गए, देश के लिए शहीद हो गए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की जनता को पूर्ण विश्वास था भारत के वीर सैनिकों के आगे दुश्मन की हार अवश्य होगी। दुश्मन की हार भी भारत माता की जीत। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you.
वो चाचा जी है ना? हाँ ताऊजी है, चाचा जी है ना? हाँ चाचा जी, वो चाचा जी, वो चाचा जी, वो चाचा जी, अरे जीते रहो कृष्ण, अरे माता का नाम रोशन करो। हाँ ये चाचा जी, सामान हमें दे दीजिए, हम ले जाएंगे। नहीं नहीं यार ठीक हो रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे ताऊजी आपके पैर में नखराट है, लाई 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 सामान में दीजिए, कहीं आपके पैर का जख्म बढ़ ना जाए। ये जख्म तो निशान बन चुका है और ऐसे ही रहेगा। और ये नखराहट मुझे याद दिलाती है उस जंग की जिसमें दुश्मन की दर्जनों गोलियों ने शरीर को छलनी लगा था। माता के आशीर्वाद, मेरी ताकत, पूछ पूछ और पांच ही गोलियां इस पांव में लगने के लिए। पांच गोलियां? काश काश अनगिनत गोलियों से शरीर छल्ली हुआ होता तो मैं अपने आप को और भाग्यशाली समझता। भाव जी पांच गोलियां लगने के बावजूद आप नहीं, पांच गोलियों के बाद इन्हें पांच गोलियों के बाद मेरे शरीर में पांच गुना बिजली कौंधी थी और सारी रात मैं अपनी घायल टांग को अपनी गोलियों के बल घसीट कर आगे बढ़ता रहा और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करता रहा। ताऊ जी उस वक्त मेरी पीठ पर इससे पांच गुना अधिक युद्ध सामग्री लगी थी। वाह चाचा जी वाह, आप जैसे वीर सैनिकों की हिम्मत और हौसलों के बदौलत ही तो दुश्मनों ने आत्मसमर्पण किया और उन्होंने हार मानी। हाँ ताऊ जी आपने पांच गोलियां लगने के बावजूद दुश्मनों के नापाक इरादों को ध्वस्त किया तो आप जैसे वीर सैनिकों के लिए हम जैसे नौयुवकों का कुछ तो कर्तव्य बनता है। फिर लाइए सामान हमें दीजिए। दीजिए ना चाचा जी, सामान हमें दीजिए। नहीं मानेंगे। ठीक है, अपने अटल इरादों से तुमने एक फौजी को मना ही लिया लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कि ये जो सामान है ना हम बराबर अगर नहीं लेके जाए। ठीक है चाचा जी, ठीक हाँ ठीक हाँ सामान ले। क्या है इसमें? चलो आप तो खुश हो ना, खुश है लेकिन आपसे एक निवेदन और करना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। ताऊ जी आपने युद्ध में किस तरह से दुश्मन के नापाक इरादों को ध्वस्त किया इसका वृत्तांत विस्तृत तौर पर हम बोल को बताएंगे। बताऊंगा लेकिन यहाँ नहीं घर चले। अच्छा अभी अभी तो युद्ध समाप्त हुआ है, ताऊ जी को युद्ध की थकान लगी होगी। हाँ अभी सफर करके आए ना उसकी थकान। देखो बेटा सफर की थकान जरूर है पर युद्ध की कोई थकान नहीं। युद्ध की कोई थकान नहीं? नहीं। अरे ताऊ जी युद्ध की खौफ की चिंता तो होती होगी ना। खौफ चिंता? अरे बेटा अगर घायल और त्रस्त दुश्मन ने फिर से फल उठाने की कोशिश की तो इस बार फिर से कुचल दिया जाएगा। जी रे चले ले भाई जी। चाचा जी तुमने निवेदन स्वीकार किया ना आपने हमारा? हाँ स्वीकार कर लिया है लेकिन लेकिन मुझे बता रहा हूँ मैं फिर तुम्हें भूमि की घटनाओं का वो ऐतिहासिक आकृति का हाल सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम भी भारत माता के आन के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आतुर हो जाओगे। पक्का Thank you.
आज आपकी दुकान नीचे जमीन पर नहीं है, हमारे मुखिया जी के बगल में है। आज इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जन्म भारतवर्ष के ऐतिहासिक गांव सोनी में हुआ है और यहाँ के अधिकतर दिनों में भारत माता की सेवा बड़ी लगन और वीरता और निष्ठा के साथ की है। और अभी हाल ही में समाप्त हुए में हमारे वीरों ने दुश्मन को आत्मसमर्पण करवाकर उनको बर्बाद होने से मुझे इस युद्ध में माँ भारती की सेवा में अपना संकोच देने का अवसर मिला। याद है उन वीरों की जिन्होंने अपनी जान गंवाकर अमृत प्राप्त किया और देश का नाम ऊंचा किया और कुर्बानी की एक नवीन मिसाल बची। साथियों ये सब क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों क्योंकि हमारे सैनिकों ने वीरता के भाव में किसी भी रूप में कोई कमी नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुना 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 बहुत बड़ी खबर है, बताता हूँ हमारे गंभीर सिंह जी को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मैंने जंगल नहीं खरीदा,
सरकारी आदेश है, अब कोई भी जंगल को बर्बाद नहीं कर सकता, समझे? हम गांव वाले जंगल को बर्बाद नहीं करते, अपनी जरूरत के हिसाब से पेड़ों की टहनियां जानवरों और जलाने के लिए काटते हैं। बस बस, अब यही नहीं काटना है। मना उन्हें करो साहब, जो नाजायज धंधा करते हो जंगल को काट कर, हमारा घर कैसे चलेगा? वो सब मेरे साहब बताएंगे, समझे? तो हम खाना कैसे बनाएंगे, हमारे जानवर क्या खाएंगे? तो इन जंगलों का सब्जी कौन करेगा? ये मेरे साहब बताएंगे, कह दिया ना? अच्छा साहब बताएंगे, ठीक है, हम बैठी है यही बैठा रही से बात होगी। अब तुम उनसे क्या बात करोगी, उनको समय नहीं होता। तुम्हारी बातों पे हमें यकीन नहीं है, अब तो उन्हीं से बात होगी। हाँ, उन्हीं से बात होगी। क्या कहेगा? मेरी बात तो यकीन नहीं, ऊपर से मैं झूठा। ठीक है, सब पता चल जाएगा, अभी बुलाकर आता हूँ साहब को। यही बैठी रहना, हमने जंगल में घुसने की कोशिश मत करना। लक्ष्मण सिंह नाम है मेरा। अरे पत्रों कैसे हमें जंगल से लकड़ी और चारा नहीं काटने देगा? अरे दीदी, अपनी चलाने की कोशिश है। गांव वालों ने इसे कभी मुंह नहीं लगाया, क्या बरात भजन कीर्तन में कभी निमंत्रण नहीं दिया, इसीलिए चिढ़ा हुआ होगा। हाँ, हो सकता है चिढ़ा हुआ हो। अब देखो, दादी को निमंत्रण ना दो तो वो नाराज, अरे पत्रहार को निमंत्रण ना दो तो जल्दी नाराज। हाँ, एक के हाथ में चिट्ठियां मनाडा है तो दूसरे के हाथ में जंगल के कायदे कानून। भाई मुझे तो घर में बहुत काम है, मेरा बीमार बच्चा रो रहा होगा, पानी भरना है, गाय को चारा देना है, खाना बनाना है, इस पत्रहार पे कब तक इंतजार करें? चारे का इंतजाम तो हर हाल में करना ही है। सरकारी वर्षों पहले खेतों में हत्या का काट डाले और अब किस जंगल पर ही सरकार ने कानून लागू कर दिया है। चलो ऐसा करते हैं, आज तो हम काट ही लेते हैं, अरे कल भी कर देंगे। लेकिन नहीं कहा, यही तो सवाल था, जरूर घने जंगल में घुसी होंगी। जंगल एक बार कहा है, इनके हाथों जंगल नष्ट होने से बचाओ, नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। चलो जंगल की तरफ। अरे साहब, अभी नहीं रुके, मैं देखता हूँ। देखो कुछ नहीं था। मैंने तुम लोगों को यही रुकने को कहा था, कि खा दी ना करामत है, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं होती, इंतजार क्यों नहीं किया हमारा? अरे इंतजार कब तक करते साहब, घर में बहुत काम है। इंतजार कब तक करते साहब, घर में बहुत काम है, है? अब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, दूसरे साहब से जंगल काटना कितना बड़ा जुर्म है, ये की हवा खानी पड़ेगी। हम गांव के अपने औरतों को कानून का पाठ क्या पढ़ा रहे साहब? हमें तो ये बताओ, लकड़ी और चारे का इंतजाम कहाँ से करें? एक बात कान खोलकर सुन लो, ऊपर से सरकारी आदेश है, जो भी इन जंगलों को नुकसान पहुंचाएगा सरकार उसे कड़ा दंड देगी, समझ गए? पर पहले तो कभी ऐसे कायदे कानून नहीं थे शायद। हाँ, कायदे कानून नहीं थे क्योंकि सब लोगों ने जो जंगल काटे हैं उससे भूमि कटाव बढ़ गया है, पहाड़ खिसकने लगे हैं, नदियों में बाढ़ आने लग गई है, इसलिए अब जाकर कायदे कानूनों पर अमल हुआ है। तो गाँव वाले अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, ये नहीं सोचा सरकार ने? अरे अरे, आज जो काटे वो तो निकाल दो। बिल्कुल नहीं, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। अरे जंगलों का नुकसान तो वो माफिया ठेकेदारों के अंतर्गत पेड़ काटने को होगा। हाँ, इसीलिए जंगल माफियाओं और गांव वालों दोनों पर नजर रखी जा रही है और इसलिए पाबंदी भी लगा दी गई है। रुको, नजर और पाबंदी गांव वालों पर तो जरूर लग जाएगी साहब, लेकिन समय बताएगा कि वन माफियाओं पर नजर और पाबंदी लगती है या फिर छूट मिलती है। घर में खाना नहीं मिलेगा तो हम भूखे रहेंगे, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा तो पशु भूखे रहेंगे, कुछ तो सोचो। कहाँ जाएंगे हम गाँव वाले? अरे पशुओं को चारा नहीं होगा तो बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा और ना ही खेत जोतने के लिए हल मिलेंगे। अरे साहब, कायदे कानून वहाँ लागू करो ना जहाँ चोरी छिपे जंगलों में धंधे करके लाभ कमा रहे, यहाँ तो सिर्फ लकड़ी जलाकर भूख मिटाने का सवाल है। साहब, ये दुर्गम पहाड़ी इलाके जहाँ ना उद्योग है ना रोजगार, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा
हमारा काम है इन जंगलों में सरकारी फरमान को पालन करवाना, समझ गए? और चिपको आंदोलन भूल गए क्या? उन्हीं लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया और पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध रहा, तभी तो जंगलों की रक्षा का मतलब समझ पाया। तो रक्षा करने का यही इनाम दिया जा रहा है? इनाम अब सरकार तुम लोगों के लिए पंचायती वनों और सिविल वनों का इंतजाम कर रही है, थोड़ा इंतजार करो। हाँ, आइंदा इन जंगलों में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन जंगलों का नुकसान हर किस बर्दाश्त नहीं, ईमानदारी से हमें अपनी नौकरी करने दो, अब चलो जाओ यहाँ से। अरे सुना नहीं, जाओ यहाँ से। किसी से नहीं कहना,
यहाँ पर बीच में कानून है वरना मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी इस गाँव के होते होती है बदले आप तेरे सारे दुख कर दूर हो गए। जाते काटे 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 जी बता लगता है।
आजकल में अरे तुम्हारा तुम जाने लगी
ये बच्चा बीमार है, उसे गाय का दूध बता रखा है कि नहीं है? अभी तेरी गाय को अच्छा दूध मिल रहा है, और फिर दिल्ली में सलावा दूध मिलता है, मशीनों में सलावा, वाहो पानी भी ठीक नहीं है, समझे? मैंने तो सुना था वहाँ बहुत अच्छे अस्पताल और डॉक्टर है, ठीक हो जाएगा। उन सब के लिए वहाँ रुपया चाहिए, रुपया वो तेरे आदमी के पास होगा नहीं। और जब तेरा पति तुझसे दिल्ली चलने को बोले ना, तो साफ मना कर देना। अभी कभी जरूरत पड़े तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। गांव की सारी औरतें अपने आदमियों के साथ दिल्ली जा रही हैं, तो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली क्यों जाऊं? Oh my God.
बच गए आज, कल से हम सब लोग एक साथ जगह देंगे। हाँ, और लकड़ियां भी काटेंगे और चारा भी लेकर जाएंगे। हाँ, अगर अगली बार सामने आया ना तो काट काट कर जंगली जानवर के आगे गिरा दूंगी इसको। चलो रे, काटो लकड़ी को। आपकी जान बची यही बहुत है हमारे। जब की हालत में मैं तुम लोगों का नाम भी नहीं जान पाया। अरे पथरोल साहब, मैं ठहरा हरि सिंह, गांव के लोग मुझे प्यार से भैया कहते हैं। और मैं ठहरा राम सिंह, गांव के लोग मुझे रमुआ कहते हैं। भैया रमुआ। और पथरोल साहब, सोनी गांव ठहरा हमारा। ओ, तो तुम सोनी गांव के हो जी। फिर तो मैंने तुम्हें आज से अपना बिरादर समझ लिया। बस बिरादर? हाँ, अरे बिरादरी और दोस्ती में जो रिश्ता है ना, इससे बड़ा कहीं और हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ये लो तुम मारो। नहीं नहीं पत्रोल साहब, हमने कभी आज तक इसका सेवन नहीं किया। अरे नहीं पत्रोल साहब, हमने तो आज तक यही खबर को छुआ तक नहीं। अरे भाई, दोस्ती और बिरादरी में ये दम लगाओ ना, क्या बात है? जी पत्रोल साहब, नहीं लीजिए पत्रोल साहब। अरे शुरू शुरू में थोड़ी बहुत खांसी आती है, फिर खांसी बंद और मजा आना आरंभ। पत्रोल साहब, हमें जो है बचपन से ही मिलिट्री में जाने की ललक है। अगर इसी तरह से दम मारते रहे तो लसड़ी हो जाएंगे, फिर हम भाग भी नहीं पाएंगे। वो जानते हो अगले हफ्ते मिलिट्री की भर्ती है। और पत्रोल साहब, हम कह रहे महावीर चक्र प्राप्त रणवीर सिंह जी के नाम के, फिर हमें भी तो मिलिट्री में भर्ती होकर गांव में देश की लाज रखनी है कि नहीं? अरे जरूर लाज रखोगे सोनी गांव की, मेरी शुभकामना है तुम्हारे साथ। ये लो एक छुट्टा हो जाए। आप पीजिए ना। अरे नहीं, ओके ओके ओके। दोस्ती और बिरादरी निभाओ, ऐसे दोस्ती कैसे चलेगी? हैं? दम मार कर दौड़ोगे तो दौड़ते ही रहोगे, बाकी सब पीछे छूट जाएंगे। ऐसे बुड्ढी हुई है जी। अच्छा तो काफी कड़क तुम्हें अपनी की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस गांव में महावीर चक्र विजेता गंभीर सिंह ने जन्म लिया हो, लोगों को भर्ती नहीं करनी चाहिए वहां के लड़कों को। हाँ, तुम्हारा तो इंटरव्यू भी नहीं होना चाहिए। ये लो तुम्हारी दावत का इंतजाम। सोनी गांव के एक एक लड़के को इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि कहीं खा पमा से बड़ी मार मारी है सोनी गांव की और तूने मुझे। आखिर मेरा नाम भी लक्ष्मण सिंह नहीं। अरे गोंधरू का लाल जी ने बहुत शराबा।
सन्यासी कैसे ही, ना कोई दुआ ना सलाम ना पहला है, कुछ बताओगी भी यार ऐसे ही। इतने लंबे समय से मिलिट्री में भर्ती होने का इंतजार कर रहे थे पत्रोल साहब, भर्ती का दिन आया भी और गया भी। क्या मतलब? अरे पत्रोल साहब, हम पहली दौर में बाहर हो गए। वो कैसे? अरे पत्रोल साहब, हम कुछ ही दूरी दौड़ सके कि हमारी सांसें फूल गई और थककर एक कोने में बैठ गए। हम जो अंत तक दौड़ते रहे वो भर्ती हो गए। अरे नहीं नहीं, शराब और चरस तो आदमी को जमकर खाने के लिए प्रेरित करती है, है? उससे आदमी तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्त। अरे पत्रोल साहब, हम तंदुरुस्त होने की वजह ढीले पड़ने लगे थे। पत्रोल साहब, पहले हम मेनू दौड़ लेते थे इन ऊंचे नीचे पहाड़ों में, अब तो बस। अरे बिरादरो, ये तुम्हारा वहम है। लोगों ने तो बड़े बड़े खेलों में नशीली चीजों का सेवन कर स्वर्ण पदक भी जीत लिए हैं और तुम इस मिलिट्री की दौड़ में पिछड़ गए। अरे पटोल साहब, आज हमारे गांव और घर वाले क्या कहेंगे, आज तो कम कम हो गया है। अरे मारो दम मिटे गम, आज तो कम से भी कम नहीं मिटेगा पटोल साहब। समझ गया पटोल साहब, अब मिलिट्री में तो भर्ती होने से रहे कहीं जंगलात में ही सरकारी नौकरी लगा देते तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। हाँ पटोल साहब, अपनी जान पहचान तो फायदा दिलवा देते। अरे सरकारी नौकरी अब है कहाँ, जो भी नौकरियां है सर ठेकेदारी प्रथा में चली गई। अरे तो ठेकेदारी ही दिलवा दो, मुश्किल है। अरे तो फिर क्या करें, कुछ तो बताओ, बेरोजगार रहे क्या? अरे पत्रोल साहब, जिस तरह से आप ये चरस और गाजे की आदत डाली है, उस तरह से कुछ करने कमाने की आदत डलवाओ तो जाने। हाँ हाँ, गाँव के लोगों को एक तरकीब बताओ। क्या? ये जंगल देख रहे हो ना? हाँ, ये जंगल ढिकड़ी रामनगर तक फैला है, बड़े बड़े जानवरों का वास है इसमें। मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों इन जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी हड्डी खाल और मांस का वो व्यापार करो तो मारा माल हो जाओगे। पर इन जंगली जानवरों को मारकर इनकी हड्डियाँ खाल मांस बेचेंगे किसे, खरीदार कौन होगा? ये सब रास्ते मैं बताऊंगा। इस जंगल के जानवरों की खालों की कीमत ज्यादा होती है, ऊपर ज्यादा आतंक माना होगा। अरे पत्रोल साहब, आज तक हमने कभी भी इन जंगली जानवरों पर कुदृष्टि नहीं डाली है, इन्हें हमने अपने मवेशी के भांति प्यार किया और आप कहते हैं कि ये सब। अरे ये जंगली जानवर तुम्हें दूध नहीं दे रहे, ना ही तुम्हारे खेतों में हल जोत रहे, समझे? अरे उनका कुछ तो करना पड़ेगा, करो धंधा और हो जाओ माला माल। पटोल साहब, पर इनको मारने के लिए तो बंदूक चाहिए, वो तो हमारे पास है नहीं। हाँ, तुम लोग इतने बेवकूफ हो गए, मुझे ये नहीं पता चोरी छिपे तो जाओगे। बस ऐसे ही चोरी छिपे, किसी की भी बंदूक चुरा लो रात में। भाई चलो मारा मार होने में लग जाओ। Okay.
पुलिस प्रशासन बस अब पहले अपने मुहावा कर ले। आप लोगों पर शक नहीं कर सकते कि तुम लोग वन्य जीवों का शिकार करते हो मासू। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग समय समय पर कितना माल दे सकते हो? अरे माले, अभी अभी तो चाल बिछाना शुरू किया है, हम चाल ही देने की कोशिश करेंगे। हाँ, तुमने पहले शिकार की सफलता में ही 1,00,000 रुपए कमा लिए। 1,00,000 रुपए? हमारा आदमी सब जगह फैला हुआ है, कोई भी तुम्हारा पास वाका नहीं कर सकता साला। बताओ माल कितना दोगे? ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। हाँ, पर समय पे पहुंचा देना, कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए साला। इतना माल दोगे उतना माल मिलेगा, गणपति करोड़पति बन जाओगे इस बेरोजगारी के जमाने में। सुन रहे हो राम सिंह जी? जी मालिक। लाखों का सवाल है। परिचय भी हो गया और धंधे की बात भी हो गई, आप कुछ सूप और मदिरा पान का इंतजाम है? अरे साहब आपका हुक्म सर, आपको चलिए अंदर चलिए। एक हाथ होती
दहशत है ही, पर अब तो इन गांव के आदमियों की भी दहशत होने लगी है। गांव के आदमियों पे लांछन लगा दी, उनकी नजर सीधी नहीं। सीधी आओ, सीधी जाओ, गांव के आदमियों पे लांछन लगा रही हो। 65 साल से इस गांव में बहू बन के आई थी, मैंने तो ना कभी सुना और ना कभी देखा। तब शराब का चलन नहीं रहा होगा, अब शराब का खूब चलन है ठाकुमा। दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों में शराब लेके चलते हैं। दुकानदार गुड़ बेचते हैं, चना बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं। तुम ये लोग क्या दे रहे हो, प्लास्टिक की थैलियों में शराब? आज गांव का हर छोटा बड़ा दुकानदार मौका देकर शराब की थैलियां बेच रहा है, और जिसे ये पीकर गांव के आदमियों ने ना अपनी बहू बेटियों को पहचानना तो बंद कर दिया है। फबतियां मारनी शुरू कर दी है, जिन लोगों के हम पैर छूते थे वो हम पर बुरी नजर डालते हैं। अरे सासू जी, मेरे जेठी ने कल शराब के नशे में सारी रोटियां और साग बाहर फेंक दिया, और मेरे लिए तो मुर्गा और पुलाव बना ये स्वाद नहीं है। तो बुआरी, चावल को घी में छोकर नमक मिर्च हर से ज्यादा जो बनाते हैं उसे तो पुलाव कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ शाशु जी, चाहे ब्याह बना के खाया ना होगा इसने? मगर बात बता, सिद्ध खिचड़ भी कैसा खा ले। Thank you.
संकट में है। हाँ कपड़े तो सरकारी है, तो पतवाली होगा। लगता है कोई जंगली जानवर घायल कर गया इसे। सुन भगवान, इसकी मदद करते हैं, नहीं तो हमें पाप लगेगा। अच्छा चल 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 ए हमसे आप पत्रों साहब ही है ना? वही पत्रों उठो 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 अभी पानी का इंतजाम करते हैं। अम्मा हाँ पानी। वैसे आप ये घायल कैसे हो गए? मर गए रे, मर गया, मुझे चीर गए, मुझे नोच गए सब। अरे दर्द बहुत ज्यादा है, उसने की काफी पी रही है। तू ज्यादा ही नोच दिया है। अरे भाग भाग कर जान बचाई है, अब उठने की काबिल भी नहीं हूँ। अरे जल्दी से पानी लाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कोई जंगली जानवर घायल कर गया इसे? देखा नहीं, खरोचे काफी है, घाव भी गहरे हैं। पत्रोल साहब आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हाँ अरे क्या होगा, तो हो सकता हो गया। आप जल्दी से पानी लाओ। नहीं पानी 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 जब तो कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है, लगता है शायद उस गहरे में हो सकता है। अरे वहाँ भी पानी नहीं होगा, तुम मेरी एक मदद करो, मुझे मेरी बंद चौकी तक छोड़ा है भाई। अच्छा
है तो काफी कड़क था। नहीं करनी चाहिए जिस गांव में महावीर चक्र विजेता गंभीर सिंह ने जन्म लिया हो लोगों को भर्ती नहीं करनी चाहिए वहां के लड़कों को। हाँ तुम्हारा तो इंटरव्यू भी नहीं होना चाहिए। बड़ी मार मारी है सोनी गांव की और तूने मुझे। आखिर मेरा नाम भी लक्ष्मण सिंह नहीं। बड़े बड़े जानवरों का वास है इसमें। मैं सोच रहा हूँ
तुम दोनों तुम मूवी जानवरों का शिकार करके उनकी हड्डी खाल और मांस का वो व्यापार करो तो मारा माल हो जाओगे। पर इन जंगली जानवरों को मारकर इनकी हड्डियां खाल मांस बेचेंगे किसे? खरीदार कौन होगा? ये सब रास्ते मैं बताऊंगा। इस जंगल के जानवरों की खाल की कीमत ज्यादा होती है, ऊपर ज्यादा आदत माना होगा। अरे पकड़ो साहब, आज तक हमने कभी भी इन जंगली जानवरों पर दृष्टि नहीं डाली है। इन्हें हमने अपने मवेश भाती प्यार किया और आप कहते हैं कि ये सब। अरे ये जंगली जानवर तुम्हें दूध नहीं दे रहे, ना ही तुम्हारे खेतों में हल जोत रहे, समझे? अरे इनका कुछ तो करना पड़ेगा, करो धंधा और हो जाओ माला माल। पटोल साहब, पर इनको मारने के लिए तो बंदूक चाहिए, वो तो हमारे पास है नहीं। हाँ, तुम लोग इतने बेवकूफ हो गए, मुझे ये नहीं पता चोरी छिपे तो जाओगे? बस ऐसे ही चोरी छिपे, किसी की भी बंदूक चुरा लो रात में। भाई चलो बारह बार होने में लग जाओ। पुलिस प्रशासन वादा पर्यावरण महोबा का ले, आप लोगों पर शक नहीं कर सकते कि तुम लोग वन्य जीवों का शिकार करते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग समय समय पर कितना माल दे सकते हो? अरे मालिक, अभी अभी तो चाल बिछाना शुरू किया है ना, चाल ही देने की कोशिश करेंगे। तुमने पहले इस कार की सफलता में ही 1,00,000 रुपए कमा लिए। 1,00,000 रुपए? हमारा आदमी सब जगह फैला हुआ है, कोई भी तुम्हारा पास वाका नहीं कर सकता साला। बताओ माल कितना दोगे? ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। हाँ, पर समय पे पहुंचा देना, हो गया नहीं आनी चाहिए। इतना माल दोगे उतना माल मिलेगा।
लखपति करोड़पति बन जाओ इस बेरोजगारी के जमाने में। सुन रहे हो राम सिंह जी, इसी मालिक लाखों का सवाल है। परिचय भी हो गया और धंधे की बात भी हो गई, आप कुछ सूप और मदिरा पान का इंतजाम है? अरे साहब आपका हुक्म सर, आपको चलिए अंदर चलिए। Thank you.
राशि
का जीना इस देव भूमि के परंपराओं के खिलाफ नहीं। बाबा मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाना होगा। प्रायश्चित तो तुझे उन लोगों के बीच जाकर करना होगा जहाँ तूने ये पाप किए हैं, जिनके घरों गांव को तूने बर्बाद किया है। प्रायश्चित करेगा? हाँ करूंगा बाबा। उन लोगों के बीच मुझे मत भेजिए, वो मुझे नोच डालेंगे, मार डालेंगे। प्रायश्चित करेगा? हाँ करूंगा। अरे बहुत अच्छा, क्या बात है।
आज शिवरात्रि का दिन है बच्चा, घर से व्रत लेकर ही चला होगा। हाँ महाराज, शिव शिव जब तक आया हूँ सारे रस्ते। शिवरात्रि का व्रत और भक्त में संकट, समस्त ग्रामवासी आज शिवरात्रि का व्रत लेके आए हैं ना? जी महाराज। नहीं, ये लोग मुझे मार देंगे, ये तो इनमें तो होड़ लगी है महाराज, उसको पास जाओ। तूने कर्म ही ऐसे किए हैं बच्चा, जिस देव भूमि में राक्षसों ने तक घोर तप करके ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न किया हो, और तू उसी देव भूमि में जन्मा खुद कर्म करने लगा दुष्ट। महाराज मुझे बख्श दो, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आगे से भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। उपस्थित जन देव भूमि के निवासी है, इनका मन आज भी साफ है, देवी देवताओं और प्रकृति की उपासना में विश्वास रखते हैं, आज भी इनमें ईमानदारी विराजमान है। भक्तजनों, शिवरात्रि के दिन आज शिवलिंग पर जल चढ़ाने आया हो ना, तो सच्चे दिल से इस अपराधी को आप जो भी दंड देंगे ये उसका प्रायश्चित करेगा। महाराज, किसे दंड देने का अधिकार पहले मुझे दिया है? महाराज इस तरह से ये लोग तो मुझे तो मार ही डालेंगे, कुछ तो करो महाराज। जो भी दंड ये देंगे तुझे उनका पालन कर उसका प्रायश्चित करना है। हाँ महाराज, मैं पालन करूंगा। कहिए। अब छोड़ी ने चिमटा बांधी धीनुरे में, अब छोड़ी ने चिमटा बांधी धीनुरे में। सुखी रहना।
रहे हैं, आज यहाँ प्रोग्राम दिख रहा है, काफी लोग, काफी क्राउड है यहाँ पर दिख रहा है से। गीता मिश्रा, नट सरस्वती सावित्री क्षेत्रीय शर्मा। तो हमारा सौभाग्य है पर्वतीय कला केंद्र का कि चाहे वो कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, जौनसार हो, पर्वतीय कला केंद्र के अंदर सारे अंचलों के अपना कलाकारों का निर्देशन मधु बेरिया साहब और आपके जो हमारे आज पपनाई जी जो शो करा, ये हमारे पहाड़ की जो आज पुराने समस्या थी, आज समस्या कला की, मैं तो पहाड़ में रहूं चूं और वह हम कोशिश करने हैं कि ये हमारे जो नामदिन छन जिन हल्दन में, देहरादून में, दिल्ली में पढ़ना था उन्हें, लेकिन साथ में उन इसमें कई बीमार ले जाना है, तो ये हम बोले आज गंभीर विषय है, ये हम सोचने पड़ो। हमारे जति लोग परिचित छन पहाड़ में, अधिकारी छन या बुद्धिजीवी लोग छन, समाज सेवी लोग छन, सब ये अलर्ट करना पड़ो, नहीं तो हमारे पहाड़ बहुत खराब समझ और डर समझ में। और साथ में जिन्होंने लिखा कि भाई जंगल बचोन चाहे, हम कोशिश करना चाहे कि हम प्रकृति कला के, हम तो देवभूमि, हम तो ईश्वर सब कुछ दिलावा पहाड़ में, जय मूल्य हम शायद कभी ना समझियो, वो शुद्ध ऑक्सीजन, वो पानी, वो हवा, तो वो मूल्य ले हम समझ पड़ लो, वो धरोहर समझने पड़े, वो धरोहर के कैसे बचाऊ लो। हम पेड़ तो हमारे यहाँ चीड़ और बांस तो कजो है, लेकिन हम बोले फलदार वृक्ष लगन पड़ ले, कुछ ऑर्गेनिक खेती लग तरफ जान पड़ लो, हमारे जमीन जो जन खराब है छी पी बार ले, मैं हम सोची पड़ लो सरकार अपने काम करने है और हमारे लोग लगे जो बुद्धिजीवी लोग छे, हम उन बात में सोचनी पड़ लो। अपने जी पुनः धन्यवाद, अपन बहुत बड़े शो दिखा और सब कलाकारों ने इतनी बड़ी कला प्रदर्शन करते हैं, बहुत मन प्रसन्न है, बहुत बहुत जगा दिया तो मेरे को जगा दिया तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं एलटीडी में और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ देखने को मिला, वो आज पूछते हैं कैसा इनका एक्सपीरियंस है। तो नमस्कार जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमा है। तो और आज का प्रोग्राम क्या था, ये क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम का, आपको मतलब क्या सीखने को मिला? हमें काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। पहली बात है एटमॉस्फेयर, बिल्कुल मुझे तो लग रहा था मैं पहाड़ों में ही बैठी हूँ। एंड शुरू जब प्रस्तुति शुरू हुई, ओपनिंग वॉज वेरी गुड कि वो जो पीछे से सब आते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने प्रस्तुति दी ओपनिंग सीन, तो आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, मेरे तो आंसू ही आ गए थे आंखों में देख के। एंड आई इन्जॉयड कि पूरा पहाड़ों का, कि पहाड़ में लोग हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ को नाच कर गा कर सेलिब्रेट करते हैं, एंड पहाड़ की औरतें खासकर बहुत बहादुर हैं। जिस तरह से उन्होंने ये मतलब एक जैसे हमारे जो लोग हैं आजकल पीने खाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसको उन्होंने बड़े अच्छी तरह से बताया गया कि उसको छोड़ो, त्यागो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो पहाड़ है ये दारू के पीछे ही बर्बाद हो रहा है, हमारी संस्कृति सारी इस वजह से लुप्त हो रही है, पर ये औरतों की वजह से ही पहाड़ बचे हुए हैं। देखो औरतें ही दुर्गा है, औरत ही माँ है और औरत ही सब कुछ कर सकती है अगर चाहे तो।
चाहती है करना, और वो चाहती है कि पर उसको सहयोग तो चाहिए, सहयोगी का सहयोग बिल्कुल आपको सबको मिलेगा, लेकिन आप एक बार आगाज करो, हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। हमें भी तो बताएंगे आपको क्या मतलब प्रोग्राम में और भी क्या क्या समझ में आया यहाँ पर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर समस्या का समाधान बताया हुआ था कि ये समस्या है पहाड़ों में, जो जो समस्याएं हैं लकड़ी की, इसकी जंगलों की, शराब चारे की, चारे की सारी चीजें जो थी ना वो इसमें वो थी सारी चीजें। एक सर ने बताया था कि पॉलीथीन का यूज ना करके, क्योंकि हमारे जब हम पहाड़ों में रहते हैं हर जगह जगह पॉलीथीन घेर के हम लाते हैं, थोड़ी दिक्कत ये है कि हम अंदर तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। बिल्कुल सही, तो पहले हम लोगों को सुधरना होगा तभी हम पहाड़ को सुधार सकते, बिल्कुल तभी सुधार सकते हैं। लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आज के प्रोग्राम में बहुत चीज सीखने को मिल रही है, काफी चीज बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज पहाड़ के लिए तो नया, और वैसे भी अभी पास में हमारी होली का त्यौहार है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे लोगों को? बिल्कुल, पहाड़ की होली तो बहुत बढ़िया होती है। अब देखो आंवला एकादशी से बैठ होली शुरू हो जाती है वहाँ पे, उसके बाद जो होली के दिन होता है हुड़दंग, बहुत ही बढ़िया, तो वो सब भी थोड़ा बहुत हमें अंश यहाँ पे दिखाई दिए। तो कैसा वैसे बढ़िया रहा प्रोग्राम? अभी बहुत बढ़िया, तो 7 बजे फिर आने वाले हैं या 7 बजे यहीं पर? नहीं, मैं तो यहीं हूँ। अच्छा, फिर चल ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ हमें बताई यहाँ पर, इस तरह से जिस तरह से प्रोग्राम था ये एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, जिससे हमें बहुत चीज़ समझने भी आई, सीखने को भी मिला। मैं चाहता भी कुछ और लोगों से बात करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। आइए चलते हैं और भी लोगों से बातें करते हैं। आइए सर, सर हाँ जी, जरा ठाकुर साहब रहिए, आइए जरा सर। अभी हमारे बीच में और एक कैसे कलाकार हैं, हम चाहते हैं उनसे भी बात करें, पूछें तो आज का प्रोग्राम क्या था। नमस्कार जी, आज जो ये पीएम पपनी जी ने जो ये नाटक लिखा है उसके लेखक हैं, और उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पे जो वहाँ की दशा और दिशा और जो व्यवस्था है जो जंगलों की, जो बड़ी मतलब जो ना दिल को छूने वाली जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है बहुत सुंदर, और कलाकारों का मंचन तो वाकई मतलब जो ना बहुत ही उन्होंने मेहनत की है इसमें, जबकि पहला प्रयास था उनका, लेकिन वो जो ना मतलब एक भी पल के लिए मतलब वहाँ से दृष्टि हटी नहीं, कि बहुत ही सुंदर मतलब जो ना अब उसकी जितने भी मतलब अब मैं क्या शब्द नहीं है मेरे पास उसकी तारीफ करने के लिए, कि वो और वो वेदना जो है एक पहाड़ की सच्ची वेदना है, और उसमें हमें चिंतन और मंथन करने की भी ज़रूरत है, मेरा ये मानना है। मतलब सर अब नए जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे जो जनरेशन से जुड़ रहे हैं हमसे यहाँ? नहीं, नए जनरेशन के लिए यही है कि जो ये जो जो भी पृष्ठभूमि से उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से देवभूमि की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो ये जो अगर आप वो मतलब जो आएँ और देखें और इसको समझें और इस पर चिंतन और मंथन करें, तो अपने अपने कम से कम मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम हर एक को साल में या दो साल 6 महीने में अपने गांव पहाड़ में जरूर जाना चाहिए। तो आपको लगता है जो इस नाटक में दिखाया गया कि ये थैली दारू छोड़ो कहा गया है, क्या वो लोग छोड़ेंगे हमारे पहाड़ी उत्तराखंड का? नहीं नहीं, वो छोड़ना न छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन आम जो मतलब जो नव युवक है तो उनके लिए एक तो पॉजिटिव मैसेज है ना कि आप दारू ना पिए, क्योंकि ऐसा है दारू पीने से हमारा जो पहाड़ बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि आप लोग जितने भी लोग उसे करते हैं अपने घर परिवार को बर्बाद कर रहे एक तरीके से, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस चीज़ को अगर सेवन करना छोड़ोगे तो आपका घर परिवार भी सही रहेगा, और आपके घर की जो स्त्री है वो भी आपके साथ सपोर्ट करेंगी। और देखिए जिस प्रकार से आज ये प्रयास था, एक कार्यक्रम जिस तरह से दिखाया गया था, उसमें काफ़ी चीज़ समझ में आई है कि आप पॉलीथीन का भी यूज ना करें, और पॉलीथीन को जितना भी हो सके आप कागज़ के लिफाफों का ज़्यादा ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें जो भौतिक स्तर पर भी अगर देखा जाए, मानसिक स्तर पर भी देखा जाए, तो ये शराब का जो प्रचलन है और जो बहुतायत है, और गवर्नमेंट ने भी मतलब आज की डेट में कि जब मैं गांव गया था और मैंने देखा कि चारों तरफ उसका प्रचलन ज़्यादा है, तो उससे क्या है कि हमारे मानसिक और भौतिक स्तर पे भी बच्चों का पे उसको प्रभावित होंगे और उससे प्रभावित होंगे, और आम जनमानस में वो जो है ना वो ठीक नहीं है मतलब उसके लिए ना वहाँ के लिए। अच्छा, अभी होली का जो त्यौहार अभी नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? भाई सबको होली की बधाइयाँ, और अपना ये तो विशेष हमारा त्यौहार जो है ना उत्तराखंड का है कि सारे रंगों में मस्त होके, और मैं मेरा मानना है कि हम एक हफ्ते से होली मिलन के जो कई जगह समारोह हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा संदेश है सबके लिए, सब खुशहाल रहें, समृद्ध होएं, ठीक है, और अपनी पहाड़ की परंपराओं को जिंदा रखें, जो हमारी पहाड़ की जो होली है
सर ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ बताई सर का, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। इसी तरह से आप हमारे उत्तराखंड को जगमग करें और जिस तरह से होली का त्यौहार प्यार से मिलकर करें। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। अभी चलते हैं और भी लोगों से बात करते चाहते हैं कि एक मिनट सर हरीश जी को, हरीश जी एक मिनट आएंगे सर। तो अभी हमारे बीच में कैसे चलते हैं, अभी और भी बात करते हैं, हम लोगों से मिलाते हैं। अभी हमारे बीच में कैसे शख्स हैं जिनकी मैं तारीफ़ करूं और कम उम्र में काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने नाम कमाया है। मैं चाहता हूं सबसे पहले इनके नाम से आपको रूबरू कराऊं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? जी जी, मेरा हरीश शर्मा मेरा नाम छू और मैं अल्मोड़ मेरा जिला छूँ और ककड़खेत गाँव छूँ मेयर। और वहाँ पर आज पर्वती कला केंद्र हमको मौका मिला कि ये तो जो ठूल संस्था छू पर्वती कला केंद्र जो ये तो हमारे ठूल संस्था छू, तो यह दिखे जुड़ो। और यह मैं भय छू मोहित शर्मा, युवा पूरा उत्तराखंड में सब वो युवा बैकपाइपर छू सोल झालक। तो हमारे सौभाग्य छू कि हम ये तो ठूल संस्था दिखे हम जुड़ो, हम यहाँ परफॉर्म करो जागर ढोल दमाऊँ मशक बिन पर्वती कला केंद्र जो मोहन उप्रेती जी लेकिन मुहिम उठे बहुत साल पहले, तो एक बेड़ुमा को जो अंतर्राष्ट्रीय गीत बना, तो यह आज हम तुम वाला कार्यक्रम देखो हमारे, तो हमारे एक प्रयास चुकी जो वाद्य यंत्र और लोक संगीत है हमारे पहाड़ में बच्चों। आपके वैसे जो हमारे उत्तराखंड के सारे वासी हैं और जिसको ढोल दमू तथा बाईपेपर सीखना है तो हमारे हरीश भाई जी हैं जो आपको सिखाने वाले हैं। और इनके पूजनीय पिताजी जी सर, जरा आप भी आ गई, आप भी जरा अपना नाम बताइए सबसे पहले। तो गंगादत्त सर, आपको कैसा लगता है जब आपका बेटा ऐसे परफॉर्मेंस करता है? गर्व है जी हमें इस पे कि लगता है कि मेरा बेटा इतनी कम उम्र में मेरा नाम ऊंचा कर रहा है। जी जी जी, तो हर पिता को एक उसका बच्चा का उसका नाम करता है तो हर पिता को गर्व होता है और उसका सीना जो है कहते हैं सनी देओल का तो जो 54-56 जो भी था लेकिन अपने पिताजी का 100 जरूर हो गया है कि नहीं? जी जी, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से आप लोग जिस तरह से संस्कृति को हमारी सभ्यता को आज लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एक बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से अपने बाईपाई पर या किसी भी यंत्र से भी आप यहाँ पर उत्तराखंड को चमका रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप अभी किसी अकाडमी में कुछ? जी मैं अभी वायुसेना एयरफोर्स स्कूल में मैं बैकपाइप बैंड मिलिट्री बैंड इंस्ट्रक्टर हूँ सुब्रतो पार्क में 2 साल से। साथ ही हम DPMI कॉलेज में विनोद बच्चे जी के निर्देशन में हम उत्तराखंडी लोक वाद्य यंत्र सिखाते हैं हर संडे, वो भी बिल्कुल फ्री। अच्छा, अभी आप ये होली का त्यौहार हमारा जो पास में आ रहा है, आप उनके लिए लोगों को क्या कहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए? जैसे हमारे होली जो खड़ी होली होती है भैटी होली हम कुमाऊँ में हैं, तो अपन जो रंग छी रंगोल हम होली बने और अब उस होली होती थी कि हमारे जो पुरानी जो रीति रिवाज झोड़ा चांचरी छी हुड़का ओला हमारे युवाओं अनुरुद्ध छू उनके लिए सीखो और अपन झोड़ा दिखी अपने लोक संगीत दिखी होली बनाओ। देखो अभी तक मैं जो होलियाँ देख रहा हूँ अपने पहाड़ की उत्तराखंड की और फूलों से जरा बहुत अच्छी तरह से मनाई जा रही है। जी जी, ये मुझे सबसे बेस्ट लगी क्योंकि मैंने अभी 3-4 जगह कैप्चर किया तो वहाँ मैंने देखा फूलों से होली हो रही है। और एक ज़्यादातर हमारे एक वर्ड चला है हो लग रहे, क्या क्या जी जी हो लग रहे, ये बहुत अच्छा एक नया वर्ड हमें निकाला गया कि होली तो सभी बोलते हैं लेकिन हो लग रहे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरह से हमारी संस्कृति से समझ में आती है कि हमारी हुड़के की थाप पे हमारी जो संस्कृति है अल्मोड़ा की कुमाऊँ की गढ़वाल की ढोल मशक बीन पे, तो उसके थाप पे हुड़के की थाप पे झोड़ा चांचरी हमारी होली जागर सभी उसी पे वो है, तो उसी पे ही हमारा एक प्रयास है कि इस चीज़ को बचाया जाए लोक विधा को बचाया जाए। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी चीज़ यहाँ पर सिखा रहे हो। और मैं चाहता हूँ जो अभी नए युवा आपसे जुड़े और जल्दी भारी संख्या में इनसे मिलें और ज़्यादा चीज़ें सीखें और शायद आप भी किसी स्कूल के टीचर या गुरु बन जाएं या किसी कहीं जॉब भी अच्छी मिल जाए आपको, तो इनका एक प्रयास है आप लोगों को सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद ऐसे आप आएँ। सर आपका भी बहुत धन्यवाद, आप सबसे गर्व की बात है आपके पुत्र ऐसे कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं और भी लोगों से बात करें जो भी हमसे जुड़ सके। सर आप आएंगे जैसे एक मिनट आएंगे जैसा? अभी हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं उत्तराखंड के, हम चाहते हैं उनसे पहले बात करें, उनसे पूछें। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम भवान सिंह बिष्ट। भवान सिंह बिष्ट जी, मुक्तेश्वर बटी। अच्छा, आप भी यहाँ पर क्या जो नाटक देखा वो कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर प्रस्तुति, हमारे उत्तराखंड अखिल बर्णाली जी बहुत ठूल संदेश छू हमको और हम प्रयास कर रहे कि हम ये नाटक बटी कुछ इस उद्देश्य से निकाल के रखिल के हमारे आने जो भविष्य से वो हम मजबूत करना चाहें। और हमारे नैनतालक शेखर जी छे जनवल पॉलिथिनक गुलदस्ते लपेटे हुए के लेना चाहिए मना करा और हमले ये पॉलीथिन ऊपर काम करने हो जिसके हम आज पॉलीथिन बहुत से चप्पल बनने हो गुलदस्ता बनने हो और लैंप सेट बनने हो हम जो समाज में हमारे प्रकृति में जतुले प्रकार का कूड़ा पड़ रहो उके हम इस्तेमाल कर बेर हुए नई इन्वेस्टन करना चाहें। तो हमारे धरती माँ ट्रस्ट अध्यक्ष होना नाते मैं यही कहना चाहने कि कूड़ा न जलाओ न बहाओ न फैलाओ, इसे विश्व कल्याण के लिए उपयोगी बनाओ और पर्वती कला केंद्र को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कूड़े से खाद बनाकर भी आप अपने खेतों को अच्छा कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आप उसे काफ़ी चीज़ अच्छी बताई आज कूड़े के बारे में। तो अभी हमारे जो लोग हमसे जुड़े हैं आप होली के बारे में उनको कुछ कहना चाहेंगे क्या? होली अब जो आ रही है खूब रंग उत्सव मनाएं और खूब गुलाल लगाएं और होली को इस तरीके से मनाएं ताकि उस एक उत्सव के रूप में, और होली का मतलब ही ये होता है हो जाना प्रभु के साथ संग हो जाना, यही है होली मिलन।
सही है। तो सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, प्रभु के साथ संघ को मिलना भी है पॉसिबल है। ये रंगों की होली नहीं है, ये फूलों और प्यारों की होली है। आप फूलों से जितना खेलेंगे उतना मज़ा आएगा। रंग से सिर्फ अपने आप गाल को लाल कर सकते हैं, लेकिन फूलों से अपने दिल को भी लाल कर सकते हैं, है कि नहीं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। रंग का मतलब ही यही होता है कि हमें अपने अंदर से रंगना है, अपने आप को ईश्वर से रंगना है। धन्यवाद। आइए माता जी, आप भी आ जाइए। तो अभी माता जी हमसे बात करने को मैं कर रही है, थोड़ा सा कर लें। अभी हम ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिनका आपको नाम रूबरू उनसे करवाएंगे। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? राकेश गौड़। अभी हमारे बीच में राकेश गौड़ जी हैं, जिनकी तारीफ करो उतनी कम है। जिनका नाम ही राकेश है तो पॉसिबल सब कुछ है। आज हमसे पूछेंगे, आज यहाँ जो अभी प्रोग्राम आप थोड़ा लेट हुए, आज क्या लेट किस कारण से? नहीं लेट एक्चुअली साइट गुड़गांव गया हुआ था मैं। अच्छा। तो मेरा पहले से ही तय था कि मैं सेकंड शो में आऊँगा। अच्छा। डॉक्टर कालेश्वरी जी का निमंत्रण भी मिला था, पर्वतीय कला केंद्र जो दिल्ली उत्तराखंड की एक पृष्ठभूमि पर एक नाटक जो देवभूमि है, काफ़ी टाइम से 2 महीने से हमारे मित्र डॉक्टर कालेश्वरी उसमें रिहर्सल में जा रहे थे, बता रहे थे कि काफ़ी कुछ है इस प्ले में देखने के लिए। तो आज काफ़ी वो था मन में कि हाँ देखना है, तो अभी गुड़गांव से सीधा चला आ रहा हूँ। तो सर आपने तो अभी थोड़ा चलो नहीं देखा, अब 7 बजे का प्रोग्राम है जो आप देखेंगे। सर अभी कुछ चीज़ें मैं यहाँ कुछ बताई थी, जैसे कि पीने के जो लोग हमारे जो उत्तराखंड में ज़्यादातर पीने में ध्यान देते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही पीते हैं, ये पूरी दुनिया पीती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक सलीके से अगर किसी चीज़ को लिया जाए तो वो कभी भी नुकसान वाली नहीं रहती। लेकिन हाँ, लोगों ने बना दिया कि उत्तराखंड के लिए बातें बना दी। मैं इस बात को नहीं मानता कि सिर्फ उत्तराखंड के लोग पीते हैं। अच्छा जी, और बताइए जैसे देवस्थानों पर आजकल हम जो जाते हैं, जैसे कचरा वचरा कर देते हैं, पॉलीथीन वॉलीथीन जैसे फेंक देते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये प्रश्न आपने सही कहा। ये बड़े दुख की बात है कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड, जो कि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से उसको बनाया था, संजोया था, और हम यहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं, पर्यावरण के नाम पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पॉलीथीन से लेकर कचरा तक फैलाते हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि जाएं और अच्छे से अपने परिवार के साथ जाएं, मित्रों के साथ जाएं, लेकिन ये ख्याल रखें कि आप जिस तरह अपने घर का ख्याल रखते हैं उसी तरह से हमारी उत्तराखंड की भूमि का भी ख्याल रखें, उसे साफ सुथरा रखें। सर अभी नज़दीकी हमारे एक त्यौहार आता है फूल दे, और अभी आ रहे नज़दीक आने वाला है हमारा होली का, उनके लिए क्या कहना चाहोगे लोगों को? फूल दे चला गया है, बड़ा ही उत्साह और फूलों के रंगों से सजा हुआ। बहुत उम्मीदें हमने अपनी फिल्मों के जरिए भी संदेश देने की कोशिश की है कि जिन घरों में ताले लगे हैं वहाँ पर भी हमने फूलों लगाए कि वो लोग कभी तो आएंगे। और रहा होली, होली बहुत ही उमंग और उत्साह का त्यौहार है, आपसी शत्रुता को भूलकर मित्रता, और मैं कहा ना कि उमंगों का भरा त्यौहार है। और जो त्यौहारों में हम अपने घरों में फुर्सत से पकवान बनाएं उससे बढ़िया त्यौहार क्या होगा। तो होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ये लोग जो इतनी मेहनत से कई महीनों के प्रयास से आज इस प्ले को कर रहे हैं, इनको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई और अच्छी हमें ज्ञान दिया, और इस प्रकार से होली के लिए जो आपने बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे आप आते रहे, हमें दिखाते रहे और उत्तराखंड से जोड़ते, थैंक यू सो मच सर। ऐसी तरह से उत्तराखंड की जो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है जो 7 बजे से आपको पर देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत चीज़ें अभी बताई थी वो हमें समझ में आ रही है कि धीमे धीमे विकास हमें सबको ही मिलकर करना है पहाड़ का, एक से नहीं होगा, ये सबको एकजुट होकर बनना पड़ेगा, तब जाके पहाड़ का हमारा विकास होगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपनी कीमती समय दिया। तो और भी चलते हैं, लोगों से बातें करते हैं। सर जैसा आप जैसा बोल सकते हैं कुछ उत्तराखंड बारे? आइए सर, आइए इधर आइए, थोड़ा ये भी सही सीधा कर देता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड आ जाए। आइए सर इधर आइए, जैसा सामने आइए सर, आप आइए, आप कर लेंगे। सर से अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिनकी तारीफ करूँ उतनी कम है, लेकिन जिस तरह से इनकी लुक है वो बहुत स्मार्टनेस है, और मैं चाहता हूँ पूछता हूँ कि इसका राज क्या है। सबसे पहले तो सर आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है, पहले बताइए। देखिए मैं उत्तराखंड से हूँ, 20-21 साल तक मैंने उत्तराखंड का पानी पिया है, और वही पानी मेरा आज 72 साल की उम्र तक काम कर रहा है। यही राज मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको यही राज बता सकता हूँ। बाकी आप लोगों की नज़रें, आप लोगों का जो सर जिस हिसाब से दिख रहा है कि उत्तराखंड का आपकी चमक नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आज आपने इस प्रोग्राम में क्या देखा, क्या समझ में आपको समझ आया सर? देखिए प्रोग्राम में क्या, प्रोग्राम को एक प्रोग्राम जब होता है कोई थीम लेके चलता है कि भाई क्या, इसमें परिस्थितियाँ भी होती है, हंसी भी होती है, इसमें दुख भी होता है, इसमें समाधान भी होता है। तो इसमें एक इन्होंने जो उत्तराखंड की परिस्थितियाँ हैं, उत्तराखंड में जो विडम्बना है उनका, उनके उसमें किस तरह से परिस्थितियाँ पैदा होती हैं और किस तरह से उनका समाधान किया जाता है, और उसमें किन लोगों का ज़्यादा योगदान होता है वो दिखाया गया है। तो सर हम लोगों को क्या करना चाहिए इसके लिए, बताइए आप लोग इसका प्रचार प्रसार करिए, उसमें बताइए कि जो देखिए
कई विधाएं होती हैं, आप सुधार करने के लिए कई विधाएं होती हैं, नाटक विधा है, गीत विधा है और आपके फिल्म विधा है, और नाटक विधा के द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, जो सुधार की चीज़ें बताई जा रही हैं, एक ढाई डेढ़ घंटे के अंदर आप सारे एक इतिहास को, एक पूरे जीवन को आप दिखा देते हैं, तो उसी के जरिए आप इस चीज़ को आगे आपके मीडिया की तरफ से आप बता सकते हैं। सर लगता है कि इस जो हमने ये प्रोग्राम में जो दिखाया है उसमें कुछ लोगों को प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, वो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सर ने बताया कि उस नाटक के माध्यम से सबको प्रभाव जरूर पड़ेगा, और अच्छा है कि आप प्रभाव पड़े हमारे उत्तराखंड को उजागर करें। मैं चाहता हूँ कि आप होली के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों। देखिए उत्तराखंड की होली भी प्रसिद्ध है, बैठक होली हमारे यहाँ बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है, और ये छरड़ी जिसको 25 तारीख को जो होती है, इस बार 25 वाली 26 को है। अच्छा। तो उन तक लोगों लोग होली में रंग बिरंगे और अपना मनोरंजन करते हैं, बच्चे जवान बूढ़े और आपके महिलाएं सारे, आजकल बहुत गांव में चहल पहल हो रही है, जो लोग पलायन कर गए हैं, जो शहर में आ रहे हैं, वो भी रोज़ नहीं करने के बजाय जैसे छुट्टियां हो रही हैं, संडे होता है सैटरडे होता है, उसमें होली का आयोजन कर रहे हैं। और मैं भी हर इतवार को बुक हूँ, हर इतवार को हम लोग होली कर रहे हैं। कभी द्वारका में थी, और आजकल के अब कल 23 तारीख को नेहरू स्टेडियम में एक हमारे डायरेक्टर हैं अपने शर्मा जी उसी स्टेडियम के मालिक रहे हैं, किस टाइम पर वो IRS हैं, वो आयोजन कर रहे हैं, उस दिन हम लोग आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा। आप तो काफ़ी चीज़ बताई इस टाइम होली के उपलक्ष्य में, सभी लोगों को उन्होंने बधाई दी काफ़ी। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से होली हमारी उत्तराखंड की मनाई जाती है, आजकल हर जगह जगह पर होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, कि जितनी नज़दीक होली जाएगी उतनी ज़्यादा जगहों पर होली का प्रोग्राम होता रहेगा, और उत्तराखंडी इस बार करने वाले खूब धूम और हर जगह फैलाने वाले अपनी होली का प्रचार से कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे, और हम भी जहाँ भी है हम उसको कहेंगे कि करते रहेंगे करके। काफ़ी अच्छा सर ने काफ़ी चीज़ बताया, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से सर ने हमें बताई होली के त्यौहार को बड़े प्यार से, उमंग से मनाया जा रहे हैं, हम चाहते हैं हर उत्तराखंडवासी उसे बड़े प्यार प्रेम से मनाए और इसका आनंद लें। और जिस तरह से रंगों की होली तो सभी ने खेली है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में फूलों की होली बड़े प्यार से, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और आप चाहते हैं कि और भी कुछ सर आइए, जरा साहब बताएंगे, जरा साहब थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा बता दीजिए सर। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ क्या सर? मेरा नाम तिलक राम शर्मा है, मैं जौनसार से हूँ। अच्छा। और जौनसार एक गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच में एक क्षेत्र है जो अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के लिए मशहूर है। सर अभी आपको लगता है कि अभी जौनसार में जितने अभी प्रोग्राम हो रहे हैं होली के, जो आसपास प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें आप कैसा लग रहा है, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रसन्नचित महसूस करते हैं अगर ये कार्यक्रम हमारा जौनसार में भी हो रहा है, और एक दूसरे की संस्कृति को जो है हम लोग आपस में जो है मेल जोल से और बहुत ही प्रेम पर उसे जो है मनाते हैं। तो सर अभी जो होली जो हमारे अगर जगह जगह से मनाई जा रही है, और होली के उपलक्ष्य में लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? होली जो है एक रंगों का त्यौहार है, और एक संदेश देती है कि रंगों के द्वारा हम एक दूसरे के साथ पारस्परिक मेलजोल और एक संयोग से जो है मेलजोल करके जो है वो संबंध अच्छे कर सकते हैं, और संदेश दे सकते हैं कि हमारी संस्कृति और एक जो है समस्त जो है विश्व में व्याप्त रहे और बहुत ही सभी लोग जो है प्रसन्नचित रहें। तो सर ने काफ़ी चीज़ अच्छी बताई यहाँ पर होली के लिए, आपको प्रशंसित करने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा संदेश दिया है, आप लोग इस पर अमल करें और होली को बड़े प्यार प्रेम से धूमधाम से मनाएं। और चाहते हैं कि जिस प्रकार से सर अभी जौनसार से हैं सर जी, जौनसार से, जौनसार में ऐसी कौन सी जगह प्रसिद्ध है जो हम लोग देखें वहाँ जाकर? जौनसार में कई ऐसे रमणीक स्थल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, सबसे अच्छा रमणीक स्थल हमारा चकराता है। चकराता के अलावा हमारे कई और भी क्षेत्र हैं, जैसे आपका कालसी है जो ऐतिहासिक विरासतों समेटे हुए है, उसमें जो है अशोक की एक शिलालेख है वहाँ पर, जो अशोक ने उस समय जो है एक अपने जो उनके कार्यकाल में जो है वो उन्होंने संदेश दिया था, शिलालेख है। और उसके अलावा जो है और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, हरिपुर है, जो हरिपुर जो है वो स्थल है कि जहाँ पर जो है पहले बहुत ही प्राचीन काल में जो है व्यापार होता था वहाँ पे, और कई प्रदेशों के लोग वहाँ पे जो है आते थे, वो इसी तरह से जो है प्रसिद्ध, जैसे आज प्रयाग है, वाराणसी है, तो हरिपुर भी एक हमारी एक धर्मस्थली है और प्रवेश द्वार है जौनसार बाबर का।
सर लोग अपनी अपनी भाषा में, कोई होली बोलता है, कोई होलक रे बोलता है, आपके जौनसार में क्या बोलते हैं? जौनसार में होले बोलते हैं जी, होले बोलते हैं वहाँ की जो, हाँ होले बोलते हैं वहाँ पे, और होले जो है मनाते हैं वहाँ पे, जो है घास को जो है पुला बना के जो है उसको घुमाते हैं और उसको होले बोले जाते हैं वहाँ पर जो है। तो आज हमें एक चीज़ और नई चीज़ पता चले होले, क्योंकि घास वास से जो बताए करके उनको करते हैं, तो अच्छा एक चीज़ हमें नई चीज़ सीखने को मिली है, क्योंकि जिस जिस भाषा में हम जाते हैं, क्योंकि हम तीन भाषा में भी तो हमारे कहते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी, ये तीन भाषा है, लेकिन सबसे पहले हम उत्तराखंडी हैं, सबसे पहले हमें ये कहते हैं कि उत्तराखंडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल पहले हम उत्तराखंडी हैं, उसके बाद ही हम कई विभक्त भाषाओं में और क्षेत्रों में जो है एक छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं, बट हमारी संस्कृति जो है संदेश एक ही देते हैं कि समस्त जो है आदमियों को जो है प्यार का संदेश जो है देती है, और हमें मेल जोल से जो है एक परस्पर रहने का, एकत्र रहने का संदेश देती है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा हमें चीज़ बताई यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलकर, और सर ने ऐसी चीज़ बताई हमें, और एकत्रित होना ही में ही सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हम लोग उत्तराखंडी वासी हैं, तो सभी लोग एक साथ जुट के रहेंगे तो हमारा एक परिवार की तरह रहेगा, अगर हम अलग अलग रहेंगे, अगर जौनसारी कुमाऊनी गढ़वाली में रहेंगे तो हम कभी आगे एक जैसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिस तरह से हम आज उत्तराखंडी हो गए, हमें गर्व है कि हम उत्तराखंडी हैं, क्योंकि हम रहने वाले देवस्थान पर रहने वाले हैं, और हमें प्रभु का वास वहां पर हमें मिलता है, हमें प्रभु के दर्शन मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी प्रकार से बिल्कुल सर, बिल्कुल पहचाना सर, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे थोड़ा सा? कुछ भी बोल दिया, होली के बारे में कुछ बता दीजिए हमें, आइए कोई बात नहीं, आप भी जौनसार से हैं, बताइए होली के बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों, हमें जैसा बता दीजिए उस तरह से उनको मिस भी कर दीजिए, अभी होली का नज़दीक आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? होली का पर्व जो है हम सभी के लिए, देखो उत्तराखंड तो प्रसिद्ध है तीज त्योहारों के लिए, और उत्तराखंड की होली जो है विश्व में प्रसिद्ध है, और हम सभी जो है जो प्रेम भाव और जो अपनत्व हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलता है वो कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ये जो बाहर जो शहरों में जो फोहरता आजकल हमें देखने को मिलती है होली के दौरान, वो अपने उत्तराखंड में नहीं होता ऐसे, क्योंकि वहाँ प्यार मोहब्बत से जो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को रिगार्ड देते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। तो इस बार जब होली हुई है उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहते हैं उसके लिए, इस बार की होली के लिए? हाँ जी, तो इस बार की जो होली है जो ये हमारे उत्तराखंड के द्वारा जो है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा पूरे दिल्ली के कोने कोने में जो है होली का पर्व जो है मनाया जा रहा है, रंगोत्सव जो है ये बसंत ऋतु का, हमारे बसंत ऋतु में बहुत सारे त्यौहार आते हैं और होली पर्व जो है उनमें से प्रमुख है। तो सर ने काफ़ी चीज़ बताया, इसमें भी प्रमुख त्यौहार हमें बताया गया, इसलिए होली का त्यौहार जो है उमंग लाता है, रंग लाता है और फूलों की बहार लाता है। इसी तरह से अभी जो हमारे बीच में भी एक माहौल बना हुआ था जो फूलदे का माहौल था, उसमें हमारे जो उत्तराखंड में फूलों की हमेशा बरसात सी होती है, मतलब फूल ही फूल होते हैं, तो जिस तरह से फूल खिलते हैं उसी तरह से हमारे उत्तराखंड के सारे वासी फूलों की तरह खिले रहें और खुश रहें और जीवन में हमेशा उत्तराखंडी बने रहें, और सभी लोग जो जिस भाषा से जुड़े हैं, चाहे वो जौनसारी कुमाऊनी, फिर बारे में बोला हूँ जौनसारी कुमाऊनी उत्तराखंडी है, सबसे पहले हम उत्तराखंडी है और बाकी सब चीज़ हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, सबसे पहले हम उत्तराखंडी है, न हम जौनसारी, न कुमाऊनी गढ़वाली, हम उत्तराखंडी है, उत्तराखंड की भाषा एक होनी चाहिए, उत्तराखंड एक है, तभी हम सब जुड़े रहेंगे, तभी हम जो है अपनी एक पहचान बना पाएंगे, हम कहीं भी जाते हैं तो हम उत्तराखंडी के नाम से जाने चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी चीज़ बताई यहाँ पर, और एक अच्छा लगता है इस प्रकार से लोग हमारे से जुड़ते हैं और काफ़ी चीज़ बताते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी लोग ऐसे जुड़े रहें और हमारे उत्तराखंड को उजागर करने के लिए अपना एक छोटा सा सपोर्ट करें, और अभी जो है लोग काफ़ी यहाँ पर होली के पर्व को मनाने के लिए तैयार है, मैं चाहता हूँ कि और भी लोग सर एक मनाएंगे जैसा, आ जाइए आप भी थोड़ा सा आ जाइए सर, जब आप आई गए तो ले लेते हैं, हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं जो इनकी खूबसूरती अभी मेरे को चमक रही नज़र आ रही है, हैं देखो इनकी हंसी भी इतनी खूबसूरत है, तो पूछ लो सबसे पहले सर का शुभ नाम। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम के एस बिस्ट लमगड़िया। सर के एस बिस्ट लमगड़िया, बहुत लंबा नाम है। हाँ हाँ, लमगड़िया इसलिए है, मैं लमगड़ा ब्लॉक अल्मोड़े से, जो लमगड़ा ब्लॉक आता है कुमाऊँ में, मैं वहाँ का हूँ, तो यहाँ थोड़ा प्रवास में रहने की वजह से लोग अगर लमगड़िया कहोगे तो समझे यार हमारे लमगड़े का है, लमगड़ा ब्लॉक का है। अच्छा, अच्छा। तो मैंने इसलिए अपना आगे सरनेम मेरा बिस्ट है। अच्छा। और इसलिए मैंने किया था। सर अभी आपको कैसा लगा था ये प्रोग्राम देखकर, जैसे यहाँ देखिए ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या था ना, मैं इसको लंबा खींचूँ तो इस प्रोग्राम में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 15 दिन की मैंने इसमें रिहर्सल की थी, लेकिन भगवान ने मेरे को 20 दिन के लिए जो है बिस्तरे में लटा दिया। अच्छा। तो तबीयत खराब होने की वजह से मैंने फिर वो मेरी जगह इनको वो अल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ा। तो जहाँ तक आज का ये देवभूमि का जो आज नाटक जो दिखाया ना इन्होंने, तो मेरे तो काफ़ी मेरे गहराई से दिल में ऐसा गया है, तो इसका जो है जो आज दिखाया गया है और वो हो रहा है और होता आ रहा है हमारे पूरा उत्तराखंड के अंदर, लेकिन
जो हमारी जो टॉप लेवल के जो राजनेता हैं, जो राज जो सरकार चला रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की थी, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे अन्य के जो भी था, मेल मिलाप जो भी था, लेकिन अपना ही इन लोगों ने अपना ही भला किया है, उस प्रदेश का इन्होंने बेड़ा गर्क किया। और मैं इसको राजनीति से नहीं लेना चाहिए, जो रियलिटी जो सच है वहाँ की, जो दशा बुरी दशा हो रही है, उसकी दयनीय दशा हो रही है उत्तराखंड की, तो वो दशा आज हमने इस नाटक में दिखाया दर्शाया गया है। तो इस पर जो है जो है जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो कर सकते हैं, हम तो भाई छोटे मोटे में आ जाएंगे, हम तो जो भी हमसे काफ़ी हमने डंडे खाए जो अपने उत्तराखंड का जब आंदोलन हुआ था, ये अपना लाल किले में और पीछे जंतर मंतर, मैं भी पिटा हूँ पुलिस से। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे कि 22-23 साल हो गए हैं इस राज्य को बने हुए, लेकिन राज्य जो है वहीं का वहीं है, जो पहले की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में था, तो मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की उससे फिर भी थोड़ी बहुत दशा अच्छी थी, लेकिन जब से राज्य बना तो क्या क्या इन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज के लिए मैं अपना ये संदेश देना चाहूँगा सारे अपने उत्तराखंड वासियों को, चाहे वो किसी भी ऊँचे लेवल पर हों या मिडिल क्लास के हों या लोअर क्लास के हों, लेकिन हर किसी को जागृत होना पड़ेगा। और आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को इस पर अगर उनको उत्तराखंड चाहिए, अदरवाइज आने वाले 10 साल में तो उत्तराखंड पता नहीं कहाँ जाएगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो युवा पीढ़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा इनको। जो दशा आज बिगड़ी हुई है, भू कानून को देखिए, दूसरा चीज़ देखिए, तीसरी चीज़ देखिए, क्या दशाएँ हो रही है, लॉ और जो कानून जो है बिल्कुल उनकी व्यवस्था खत्म पड़ी है, नेतागण अपने मस्ती मार रहे हैं, तो ये जो है बड़ा दुखद है मेरे लिए। मतलब मैं इतना अंदर से मेरे को बड़ा दर्द होता है। तो आज जो हमने इस मंच आप LTG ऑडिटोरियम में जो आज जो पहली हमने पहला शो दिखाया है, दूसरा 7 बजे होगा, उस पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे सारे उत्तर भाई बहनों ने, मातृशक्ति ने, जो भी हमारे अन्य लोग जो भी हैं, इसको मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कृपया जागृत होइए, जागरूक होइए, जागरूक करिए लोगों को, तो तभी जाके हमारा ये जो है उत्तराखंड जो है कुछ इसका हो सकता है। अगर मैंने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, भाई इस कान से बोल दिया, इस कान से निकाल दिया, या मैं हम ये नाटक कर रहे हैं भैया, नाटक तक ही सीमित रहे, उसके बाद बाहर आके तुम बदल गए, या मैं घर घर कहीं जाके अपने कॉलोनी में अपने संस्था के जरिए अपने समाज के लिए अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, सांस्कृतिक धरोहरें जो है मैं सब बताता हूँ, तो लेकिन उस पर जो है गौर होना चाहिए। यानी कि भैया प्रोग्राम हो गया, जब दो ठुमके लगाते तो वो नहीं होना चाहिए, बहुत गहराई से बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, तभी इस प्रदेश का उत्थान होगा, तभी ये हमारा उत्तराखंड प्रदेश जो है बच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर सो मच, आपने सच्ची बात बताई। जागे हैं जगाएंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे, तो जागना भी है और जगाना भी है, तभी उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। अगर आप सोते रहोगे तो उत्तराखंड भी सो जाएगा और उत्तराखंड का विकास में आपका सहयोग एक रह जाएगा। तो दोस्तों जागो, जगाओ और उत्तराखंड को आगे बढ़ाओ। ये बहुत अच्छा चीज़ है जो सर ने काफ़ी चीज़ बताई। हमें एक भू कानून क्यों लाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी परिस्थितियों के कारण से ही हमें ये भू कानून, क्योंकि अदर कास्ट का अदर लोग हमारे उसमें निवास कर रहे हैं, और ये भू कानून जिन्होंने भी किया है उनको लोगों को सलूट है दिल से, वो हमारे पहाड़ के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उनके साथ जितने भी लोगों सब जुड़े और उनके साथ प्यार प्रेम दें, और जितना भी हो भारी संख्या में वहाँ जाएँ जहाँ ये कार्यक्रम। तो थैंक यू सो मच, अभी आगे भी बहुत प्रोग्राम आपको दिखाने वाले हैं हम जो LTD के अंदर होने वाला है। तो ये एक प्रवृत्ति हमारे कला केंद्र के वाले वासी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अपने कला के माध्यम से सब कुछ दिखाया, कैसे करना है, नाटक के माध्यम से दिखाया कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए क्या क्या रुकावट है, उसको ठीक कैसे करा जा सकता है, सब आप लोग के सपोर्ट से होगा। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ये आगे नहीं होगा, क्योंकि एक हाथ से कभी काम नहीं होता। जब सभी लोग एक हाथ बनकर सब मुट्ठी बन जाएगी ना, तो इसमें बहुत ताकत हो जाएगी। तो सभी को एक साथ जुड़ना है इसमें, और भू कानून के साथ चाहे कोई भी कोई कार्य होते हैं उसमें जुड़े और उसका आनंद लें। और भगवान, मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि हम सब आपके सपोर्ट करेंगे, हमें जहाँ भी जहाँ स्थान पर हैं, और भू कानून ला के ही रहेंगे और अपने यहाँ देश से भाषा को बाहर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे, बाय।